नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल टू न्यूज और अभी हम हैं सोनपुर रेलवे रोड ब्रिज पे, जो पटना और सोनपुर को जोड़ती है। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली लाइफलाइन सेतु है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महात्मा गांधी सेतु का मरम्मत चल रहा है। 31 जुलाई को उसकी पश्चिमी लेन की शुरुआत हो गई है, दोबारा पूर्वी लेन की मरम्मत होगी। तो महात्मा गांधी सेतु के ज़्यादा जाम रहने की स्थिति में जेपी सेतु बिहार के लिए लाइफलाइन साबित हुई है। इसकी शुरुआत 3 फरवरी 2016 को हुई थी रेलवे सर्विसेज से, बाद में सड़क परिवहन भी शुरू हो गया। इस पर भारी वाहनों का चलना मना है, बसें और ट्रक नहीं चलती हैं, चार चक्के और छोटी सवारियां ही इस पर चलती हैं, तो लोगों को राहत होती है। पटना से उत्तर बिहार जाना आना इस ब्रिज की वजह से बहुत आसान हो गया। कभी 8 घंटे 10 घंटे भी लगते थे, अभी आप 2 घंटे के अंदर पटना उत्तर बिहार से पहुंच सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, पटना में विकास चारों तरफ हो रहा है, हर तरफ सड़कों की जाल बिछ रही है, फ्लाईओवर्स बनते जा रहे हैं पटना में। पटना तो एक दिन सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स हो जाएगा। इस जेपी सेतु को भी 6 लेन रोड से आर ब्लॉक फ्लाईओवर को जोड़ा जा रहा है। पटना से निकलकर जेपी सेतु आने में अब लोगों को आसानी होगी। घुमावदार रास्ता अब नहीं मिलेगा लोगों को कुछ दिनों के अंदर। जो भी कार्य हुए हैं, बहुत अच्छे कार्य हुए हैं पटना और उसके आसपास में बिहार में भी, सड़कों के मामले में गांधी सेतु के बाद बिहार को ये एक वरदान मिली जेपी सेतु के रूप में। अब यहीं से आप दाहिने तरफ एक और फ्लाईओवर उठती है जो सगुना मोर दानापुर की तरफ निकल जाती है। अगर आपको सीधा उस ओर जाना है तो पटना प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, आप यहीं से दाहिने फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे, सीधा अगले सगुना मोर के फ्लाईओवर के पास निकलेंगे तो आपको दानापुर के आगे जाना आसान हो जाएगा। पुल के पहले और पुल के बाद दोनों छोर से एक एक रेलवे स्टेशन भी बनाया गया है लोगों की सहूलियत के लिए। आने वाले दिनों में जब आप पटना आएंगे तो आप शायद कभी कभी कंफ्यूज कर जाएंगे, किस सड़क से निकलूं, यहाँ तो कोई और सड़क हुआ करती थी। जैसा कि ये फ्लाईओवर आप देखें, ये कार उस ओर मुड़ रही है, दाहिने जाएगी और फ्लाईओवर पे चढ़ जाएगी। आने वाले दिनों में इस जगह पे भी ढेर सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे, कई और फ्लाईओवर यहाँ पे गिरेंगी और उठेंगी जिस पे कार्य चल रहा है। बरसात में कार्य की गति धीमी हो जाती है, कोरोना काल भी चल रहा है, कोरोना की महामारी से भी काम धीमा हो रहा है। कुल मिलाके बिहार में सड़कों के मामले में बहुत काम हुए हैं। हम खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या ये बिहार की सड़कें हैं। कभी गड्ढों भरी सड़कें हुआ करती थी, आज फर्राटे भरते हुए कार निकल जाती है, आना जाना आसान हुआ है लोगों के लिए। इस कड़ी में आगे भी एक वीडियो बनाऊंगा पटना से जुड़ी सड़कों की स्थिति, फ्लाईओवर्स दिखाते रहूंगा। गो टू न्यूज को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, कोरोना से बचें। धन्यवाद।